मुद्दे और वायदों के बीच आज एक बार फिर न्यूज 18 की टीम आ पहुंचा है जगदलपुर विधानसभा में। इस जगदलपुर विधानसभा संभाग की एकमात्र सामान्य सीट है। इसके अलावा चित्रकूट विधानसभा और बस्तर विधानसभा भी है। इन तीनों विधानसभा में कुल 5,70,000 के आसपास मतदाता है, जिनमें 3,00,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में संभाग का जगदलपुर विधानसभा महत्वपूर्ण सीट होता है, चूँकि इसे जिला मुख्यालय भी कहते हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रेखचंद जैन ने भाजपा के संतोष भापना को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे और जो वायदे जनता से किए थे, क्या वायदे पूरे हो गए? आइए फिर एक बार जानते हैं जनता जनार्दन की जुबानी कहता वोटर में। जगदलपुर के शान कहलाने वाले दलपत सागर में इस समय न्यूज 18 टीम पहुंचा है और यहां पर कुछ मतदाता हैं, कुछ व्यापारी वर्ग है। आइए इनसे बात करते हैं कि 2018 में जो मुद्दे थे, क्या वे पूरे हो गए? भैया, 2023 चुनाव आने वाला है, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी बाकी है या जो चल रही है, और सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ी समस्या इंद्रावती और रेल की है, और ये दोनों मुद्दे अभी तक बाकी है जिस पर काम हो जाना चाहिए था वर्षों पहले, और अभी तक ये जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बस्तर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और 2023 के चुनाव नज़दीक, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़े मुद्दे ऐसे ही होने चाहिए। देखिए, क्षेत्र का विकास के लिए ये जो चीज़ें हैं इनका ज़्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंद्रावती, हमारी इंद्रावती के किनारे 200 गांव बसते हैं, तो अगर हम इंद्रावती का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरे 200 जो गांव हैं वो पूरे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार का रेल का देख लीजिए, परिवहन कितना महंगा हो गया है। हम लोग को यहाँ से रायपुर जाना होता है तो रायपुर एक जो आम जो नागरिक है उसको जाने आने में बहुत बड़ी समस्या है, और यही रेल हो जाता है तो वो आसानी से जा पाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो नुकसान इस क्षेत्र का होता है वो ये कि जब रेल सुविधाएँ अगर नहीं होती है तो हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और जो बड़े जो उद्योगपति हैं वो सब यहाँ पे आने से कतराते हैं, तो कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र का जो विकास है वो प्रभावित होता है, और इन चीज़ों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। ये 2018 में जो मुद्दे थे, क्या वो पूरे हो गए? मुद्दे कहाँ पूरे हुए हैं, मेन मुद्दा जैसे किशोर भाई ने बताया, पुरानी बातों को छोड़ के जैसे नए में, जैसे 2024 के चुनाव के लिए आए तो मेन जगदलपुर के लिए एक रेल की मतलब जो समस्या है उसको पूरा होना चाहिए, और हवाई सेवा का भी विस्तार होना चाहिए जिससे कि जगदलपुर में आने जाने वालों के लिए सुविधा बढ़े। शिक्षा स्वास्थ्य में कितना काम हुआ होगा? शिक्षा स्वास्थ्य में एक देखा जाए तो उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर होना चाहिए। अब मुद्दे क्या रहेंगे 2023? शिक्षा स्वास्थ्य रेल और हवाई सेवा का विस्तार। देखिएगा, 2018 जो चुनाव हुए हैं और जो विधानसभा में और जो घोषणा पत्र जो हुआ है वो अधिकांश गांव-गांव में पूरे हुए। अंदरूनी इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा, खास करके ये जो तिरिया और जो माजकोट इलाका है और जो अंदरूनी इलाका है दरभा, इन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां एजुकेशन को लेकर परिवर्तन हुआ, वहां डेवलपमेंट को लेकर परिवर्तन हुआ, नल जल योजना को लेकर परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से लोगों का आर्थिक विकास हुआ, इससे काफ़ी मतलब बस्तर को फ़ायदा होगा। और जहाँ पर महिलाओं ने अपना एक बैंक खोला, ये भी विकास है। घोषणा पत्र में दिया गया था कि हम हर महिलाओं को, हर आदमियों को आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, वो स्थिति सामने आई है। आज स्थिति बहुत मजबूत है और आज तो स्थिति और कुछ बदल गई है 2024 के चुनाव में, जहाँ पर अध्यक्ष बदले गए। अब ये कहते हैं सब कोई कि कांग्रेस का दीपक है और दीपक बैज जो अध्यक्ष बना है, एक महत्वपूर्ण क्रांति लेके आएंगे 2023 के चुनाव के लिए, जिसमें बस्तर के 12 सीटों में जो गड़बड़ी चल रही थी वो शायद स्थिर हो जाएगी। अभी तक तो जो कांग्रेस की सरकार है तो जो उन्होंने मुद्दे रखे थे जगदलपुर में, ऐसा उनके कांग्रेस सरकार के किए गए वादों के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूर्ण हुई हैं, और विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से जगदलपुर विधानसभा में उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें
तो बहुत सारे जगदलपुर विधानसभा के लोग हैं जो आज स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो यहाँ पे उसके लिए विशाखापट्टनम जाते हैं या रायपुर जाते हैं इलाज की सुविधा के लिए। विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, कई सारी समस्याएं शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा में भी हमारे यहाँ पे शिक्षकों की कमी, जो अभी जैसे आत्मानंद स्कूल सरकार ने खोले हैं तो उसमें भी शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। तो शासन तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वाद्मी आत्मानंद स्कूल भी खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे बच्चों को, ब्लॉक लेवल पे स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था ही नहीं होगी तो उसमें कौन पढ़ाएगा और कौन अपने बच्चे भेजेगा। तो बोलना चाहिए जगदलपुर विधानसभा में मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, ये मेरा पर्सनल और एक जो देखने में आ रहा है क्षेत्र में अपनी विधानसभा के अंतर्गत, तो ये है। सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारा जो पिछले बजट में जो हमको सम्मिलित किया गया था, जो हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था कि हमारे नियमित कर्मचारी को नियमितकरण 10 दिन के अंदर दिया जाएगा, नियमितकरण नहीं हुआ है वो तो दूर की बात है, लेकिन आज 4 साल पूर्णता होने जा रही है, 4 साल कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी हमारा नियमितीकरण आज तक उनके बीच में उनके पहल में आज तक कभी मंत्री के द्वारा कभी विधायक के द्वारा ये सब चीज़ें गुमराह करते हुए बात करी जा रही है। हमारे TS बाबा ने कहा कि आप लोग के लिए बजट नहीं हो पाएगा, तो हम यही कहना चाहेंगे आज विधायक का बजट सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे पूछा जाता है क्या? नहीं पूछा जाता, उनके लिए बजट आ जाती है। आज हमारे जो भी नज़दीकी कर्मचारी हैं उनके लिए बजट आ जा रही है, शिक्षा कर्मी 2 वर्ष हमने नियमितीकरण दे दिए उनके लिए बजट आ गई, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी आज 25 साल से 24 साल से कुछ लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन लोग को भी ये स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत नियमितीकरण अगर मिल जाता है तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। खेल का भी अच्छा अच्छा अपना सिटी ग्राउंड हो गया, हाथा ग्राउंड हो गया, अपना धर्मपुरा कैंपस हो गया, काम तो अच्छा हुआ है। हाँ, विधायक तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा। 2023 का चुनाव नजदीक है, मुद्दे क्या होंगे? अब 2000 बस मुद्दे तो हैं, बाकी देखो काम तो अच्छा ही हो रहा है, विधायक जी अब हमारे जो हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ जो मुद्दे जो वादा किए थे कांग्रेस पार्टी वो पूरा हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश कक्का का सरकार बना है और 36 में से 1-2-3 वादों को छोड़ के पूरे वादों को उन्होंने पूरा किया, चाहे किसान का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे वो मितानिन लोगों का हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी लोग सभी वर्ग खुश हैं। 2023 का मुद्दा विकास का होगा क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं और उनके नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में सारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जगह में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का जगह में कहीं चूक गया है लेकिन अभी समय है, उसको भी पूरा करेंगे। अगर जो चीज़ अभी इक्का दुक्का बच भी जाएगा तो नेक्स्ट जो आने वाले समय में हमको विश्वास है कि हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसको भी पूरा करेंगे। जगदलपुर विधायक से काफ़ी खुश हैं क्योंकि 15 साल बीजेपी के शासन रही लेकिन जो शहर की जो दशा थी, आप पूरे शहरवासियों के सामने ये सभी लोगों के सामने हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि सारे जगह जगह में डिवाइडर बना हुआ है, दलपत सागर का पूरा साफ सफाई हुआ और सभी जगह विकास का काम हो रहा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार उनके ही नेतृत्व में, क्योंकि विधायक स्थानीय तो उनके ही संरक्षण में और वो सचिव भी हैं तो उस हिसाब से उनका बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, कांग्रेस के ज़माने में तभी बहुत अच्छे काम हुए हैं, जैसे महारानी हॉस्पिटल का आपने देखा कायाकल्प हुआ है, आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में देखा होगा आपने अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, रोड्स को भी आपने देखा होगा पूरा जगदलपुर में रोड चौड़ीकरण हुआ है और जो बाइफर्केशन हुआ उससे भी बहुत पब्लिक को फायदा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अच्छा है, यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं स्पेशली मेडिकल कॉलेज से तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्री PG के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे वो क्वालिफाइड हो रहे हैं उसमें, तो यहाँ एजुकेशन अच्छा है इसलिए तो इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं विधायक जी। तो हमको ऐसे आदमी चाहिए, हमको किसी पार्टी से मतलब नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको ले करके चले और अपने प्रदेश का विकास करे, हर क्षेत्र को देखे, एक से छोटा गरीब से देखे अमीर तक, पक्षपात नहीं होना चाहिए। विधायक से देखिए, विधायक साइड वाला है,
वो सबके लिए नहीं है, कुछ माने व्यक्ति विशेष के ऊपर है विधायक, माने सबके लिए विधायक नहीं है। और शासन जो है माने सब कुछ कर रही है मगर हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं कर रहा है। हम सेवानिवृत्त कर्मचारी 16 साल से हम है सेवानिवृत्त होने के बाद, मगर डीए ठीक से नहीं दिया वर्तमान सरकार, हमको डीए नहीं दिया, डीए के लिए बहुत घुमा रहा है। और हम लोग इतना परेशान है, कितने बार लिखा पढ़ी किया, हमारे डीए को कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जगदलपुर में रोड डेवलप नहीं है, है ना, खाली थुक पॉलिसी करके रख दिया है। एक्चुअली हम लोग जो जाते हैं जिस रोड में साइंस सिटी में, वो रोड नहीं बना है, और पारा पारा में भी रोड नहीं, ऊबर खाबर रोड है। जब से आए हैं शासन, नया शासन आया, तब से रोड के बारे में कुछ नहीं किया है। इन मुद्दों के बारे में तो हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या मुद्दे उनने उठाए थे और क्या क्या वादा किए थे, और काम हुआ है शहर में और अच्छा ही काम हुआ है, जो होना चाहिए वो हुआ है शहर में। अब 23 का मुद्दा क्या है भाई, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही है, धान पान सब चौपट है, खेती खाड़ी सब बेकार है। अब मुद्दे वो बनाएंगे, अभी तो बना ही नहीं है उनने मुद्दे, तो हम आपको क्या बता दें क्या मुद्दे रहे। जनता के महंगाई चल रही सर, अभी महंगाई चल रही है, अभी आप टमाटर महंगा है, तेल महंगा है, चावल महंगा है, गेहूँ महंगा है, आटा महंगा है, सभी चीज़ें महंगी चल रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो क्या मुद्दे बनाते हैं वो लोग, चुनाव लड़ने वाले क्या कह सकते हैं। पहले भी हमारे समझ से तो कुछ डेवलप जाए, सड़कें कहीं कहीं बन रही हैं फिर टूट रही हैं, फिर गड्ढे बन हो रहे हैं, फिर नालियां जाम हो रही हैं, फिर उसको खाली किया जा रहा है, साफ़ सफाई किया जा रहा है, तो अच्छा हुआ क्या है? क्या ऐसा कोई भी, जब आप कोई काम करते हैं तो वह है उसका एक फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आज की नाली साफ़ करके अभी तो दिखा दिया कि हाँ ये तो सही हो गया, फिर कल वो नाली फिर जाम हो जा रही है, वहाँ मिट्टी फिर, तो तमाम ऐसी समस्याएँ हैं, सामाजिक समस्याएँ हैं। तो आप 2018 की बात कहें या 23 की बात कहें, हमारा कहना ये, कोई भी सरकार आए तो अगर कोई बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या है, तो उसको वो फाइनली ऐसा कुछ करे कि 150 साल तक उसका कोई जिंदगी मिले। हेल्थ शिक्षा ठीक, अरे सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा काम नहीं, अच्छा सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर फाइन उसका भविष्य सोच करके कि सौ लंबे समय तक के लिए इसको कोई अच्छा काम किया जाए जो धरातल पर बहुत समय तक टिका रहे, वो नहीं हो पा रहा है, दिख भी नहीं रहा है। सड़कें बन रही हैं, टूट रही हैं, गड्ढे कट रहे हैं, फिर वो क्या कहीं बन रहा है तो फिर दोबारा उसी को खोद के फिर दूसरा एक प्रोग्राम चालू कर देते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम भी आप बनाते हैं तो सारी चीज़ों को एक बार भविष्य के लिए सोच लीजिए कि हमको यहाँ पे केबिल डालना भी है, सड़क बनाना है, तो उससे पहले केबिल का कोई प्रोग्राम चल रहा है तो पहले सड़क के साथ साथ उसी को बनाइए। इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है, बार बार एक चीज़ को बना के फिर तोड़ के फिर बना के, तो ये तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। विधायक जी से तो बहुत संतुष्टजनक है, और सबसे बड़ा इसमें हमको आत्मानंद स्कूल का लगा कि स्कूल में जो यहाँ पर दिया है इतना अच्छा सुंदर सुसज्जित, मैंने एक नॉर्मल घर के बच्चे को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उसको डेवलप किया जा रहा है। अब मेरा राय रहेगा अगर उसको CBSE बोर्ड में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे और सब स्कूलों में है CBSE बोर्ड के अनुसार पढ़ाया जाए इंग्लिश मीडियम, तो इसमें और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। शहर के कायाकल्प के लिए और क्या होना चाहिए? शहर के कायाकल्प के लिए तो लगभग अभी चल रहा है, अभी जहाँ तक हमारे हिसाब से जो है बहुत कुछ तक अभी हो रहा है और होना भी है। हाँ, तो बिल्कुल संतुष्ट हैं उनसे। हमारा मुद्दा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मुद्दे पूरे हो भी रहे हैं और जगदलपुर में आने वाली कल में तो बढ़ोतरी हो भी रही है, तो हम तो वोट डाल ही रहे हैं। मतलब शिक्षा में तो थोड़ा कम ही लगता है यहाँ पे, कि बहुत सारे लोगों को तो रायपुर जाना पड़ रहा है, बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शिक्षा में कमी है आज भी यहाँ पे, कोचिंग की कमी है और कोर्स करना है तो अपन को बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसकी कमी लगती है मुझे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग में भी होनी चाहिए। आई थिंक क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के विकास से रिलेटेड तो उतना नॉलेज नहीं है, पर बना कैसा है? अच्छा है वैसे, हम ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कम ही आते हैं। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल कोर्स करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि और कोचिंग सेंटर्स भी जैसे दीदी बोले, और उसके अलावा मतलब जो डिग्री है बाहर लेने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, वो यहाँ होनी चाहिए। सर से ये कहना है, जो 2018 की चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार ने जीत कर ये वादा किया था जनता से कि उन्हें बेरोजगारी
भत्ता दिया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वो अब तक लगभग कुछ ही लोगों को मिल पाया है। और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ में कि युवाओं को आज की डेट में घर में बैठने के सिवा और कुछ काम मिल ही नहीं रहा है। जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो क्या मुद्दे थे, क्या पूरे हो? जगदलपुर विधानसभा के मुद्दे में कुछ मुद्दे पूरे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि पूरी तरीके से यहाँ के विधायक जी ने हर मुद्दे को पूरा किया है, क्योंकि आज भी इस शहर की जनता बहुत ही गैर स्थिति, कई जगह पे पानी भर जाता है बाढ़ आने वक्त, वो कई जगह पे रोड अच्छे सफाई नहीं है, नाली सफाई नहीं होती ढंग से, कचरे गाड़ी नहीं आते हैं कई कई दिनों तक, तो इससे क्या है जगदलपुर की जो जनता है काफ़ी परेशान भी रहती है। और विधायक जी का एक अच्छा काम ये भी है नगर निगम के द्वारा, जो उन्होंने दलपत सागर को इतना अच्छा सौंदर्य दिया, इतना अच्छा मतलब एक नया लुक दिया, नए नज़रिए से एक अच्छा लुक दिया, और इससे जनता काफ़ी खुश भी है। जगदलपुर विधानसभा के हम कुछ निचली बस्ती में पहुंचे हैं, यहाँ के मतदाता उनसे बात करते हैं कि 2018 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव जीतने के बाद विधायक यहाँ पहुंचे, इनकी समस्या क्या दूर हुई? ये गांधीनगर में खूब समस्या है, जो आते जो वोट के समय आते इधर जाते जाते मतलब कोई पूछते नहीं, कोई आते नहीं है, और कुछ करते नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव अभी आ गए, फिर जुआर बिहार होगा घर में, फिर वो जिता दो, जो सियाना लोगों का आशीर्वाद है उनके कारण से जीतते हैं। अच्छा, जीतने बाद नहीं आते है? कौन आते हैं बाद में, जो नहीं जीतते 15 आते रहते हैं, जुआर बिहार होते हैं। समस्या सब समस्या है, तो बच्चे मन का समस्या तकलीफ है, बच्चे उनका ना कुछ काम मिलता है, ना पढ़ के घर में बैठे है, कुछ काम नहीं मिलता है, ना कोई रोजी रोटी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। कौन आते हैं विजय? कुछ नहीं आते, कोई नहीं आते हैं यहाँ पर, कोई पूछते नहीं, वो मन का काम होने से आते हैं, इधर रोड घूमते चले जाते हैं। जो समस्या है यहाँ वोट देते समय देते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट देते हैं, लेकिन वोट होने के बाद कोई पूछने वाले नहीं है, आते ना जाते। क्या समस्या आप लोगों का? हम लोगों का क्या समस्या है, जो पढ़े लिखे रहते हैं उनका एक काम सुविधा होना चाहिए हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। हाँ नहीं, विधायक जी आते हैं? नहीं, कौन आता है यहाँ, जब वोट होने के बाद कोई पूछने वाले नहीं है। जो वोट दिए थे, जो डिमांड था, मांग था, पूरा हुआ? ठीक है, हमारा तो मकान नहीं बना है, अंदर है मकान, हम डोकरा डोकरी है, लड़का लड़की है दो जन, वो मकान हम तो वोट देता चूँ, हर साल वोट देती हूँ, दोनों आदमी औरत लड़का लड़की तो दे देना चाहिए। दोबारा वोट देने जाओगे तो फिर क्या सोच के जाओगे, क्या मुद्दा रहेगा? हमको मकान चाहिए यार, कुछ नहीं है, अरे दस्तखत करना है, गारंट का वोट देना है, वही वोट में वोट तो है, और क्या करूँगी, तो उतनी तो है, सरकार से चाउर दे रहा है, चाउर खा रहा हूँ, और निराश पैसा मिल रहा है बस। जगदलपुर विधानसभा में जो गोल बाजार स्थित है, यहाँ पर लगभग 70 से 80 व्यापारी कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं। बारिश समय में इन व्यापारियों को खासा नुकसान भी होता है, तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में जो प्रशासन और सरकार ने जो वायदा किया था कि इनको दुकान बना के दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कई व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि जो वादा सरकार द्वारा, विधायक द्वारा हमको जो दिया गया वो पूरा नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इनका जो समस्या है कब तक पूरी होती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए आगे और बात करते हैं। दुकान कहाँ है और कहाँ तक लगा दिए, ऑटो भी नहीं घुसता, गाड़ी भी नहीं घुसता। कितने व्यापारी है? होगा 70। तो कैसे करते 70 बोलने से सबका उनका नजर वाला, सब नजर वाला एकदम, यहाँ का किराया देते हैं साल का। अभी दुकान मिलने का मिला? अभी तो नहीं मिला, आश्वासन दिए मिलेगा बोल के। नेता लोग आते नहीं, कोई अभी तक नहीं है। एक 1,95,000 जनसंख्या वाले जगदलपुर विधानसभा में 2018 में जिस विधायक को चुनकर विधानसभा भेजा था, अब 2023 की पारी आ चुकी है। अब देखना होगा कि 2023 में जनता जनार्दन किस दल के नेता को विधानसभा तक पहुंचाती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर।